है तो इसका चेहरा पर आप लोग देख सकता है कि ये कितना ज्यादा ये खूनखार दिख रही है। भाई के लाश पे चढ़कर ये लड़का ये शादी किया है इस लड़की से। शादी करने के बाद में अब मीडिया वाले लोग को ये भाई गाली देने लगे। देखिए यहाँ पे मीडिया वाले लोग को ये मारने पड़ रहा है, देख सकते हैं कि इनका चेहरा। ये लोग देखिए किस पत्रकार भाई इनसे पूछे कि आप तो शादी करने के बाद में काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं, तो बकायदा ये हंस भी रहे हैं। देखिए पीछे के छुपे हुए वो सारा चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी को नेशनल पब्लिक न्यूज में। आप लोग कुछ दिनों से इनको पहचानते भी होंगे, इस लड़की को आप लोग पहचानते होंगे। इस लड़की का नाम है आरती, और आरती छोटू ये अररिया के कांड आप लोग भली भांति जानते हुए हैं कि किस तरह से इन लोगों का प्यार हुआ और किस तरह से क्या हुआ, ये सारा कुछ हम नहीं बताएंगे। मगर इनका थोड़ा सा चेहरा उस समय के देख लीजिएगा कि इनका चेहरा उस समय कितना उदास था। और ये छोटू है, और इस छोटू के शरीर को ये लेकर कितना ज्यादा रो रही थी और क्या क्या उस समय कर रही थी, ये सारा और ज्यादा देखने की कोशिश करें कि उस समय के इनका चेहरा। अब जो थोड़ा सा इधर भी देखें कि कुछ दिन छोटू के मर जाने के बाद कुछ पहले ये रो रो कर वीडियो बनाती थी और डालती थी सोशल मीडिया पर। एक तरह से ये फेमस हो गई तो लगी ब्लॉग बनाने, और उस समय के आप लोग देख सकते हैं कि इस लड़की का चेहरा किस तरह से है। मैं इसके पीछे के छुपे हुए वो सारा चीज मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूँ। ये देख सकते हैं कि छोटू आरती है, ये सारा कुछ आप लोग देखे होंगे और ये सारा वीडियो आप लोगों को मिला होगा सोशल मीडिया पर। उसके बाद में छोटू के मर जाने के बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये करती है, और कई मीडिया जब पूछते हैं तो उन लोगों से ये कहती है कि मैं शादी नहीं करूंगा। तो फिर दोबारा कुछ पत्रकार भाई पूछते हैं तो उन लोगों से ये कहती है कि मैं साल भर के बाद करूंगी। और आज जो आप लोग देख सकते हैं तो ये शादी कर ली, और देख सकते हैं कि ये लड़की जो है आज ये शादी कर ली, और शादी कर ली खैर कोई बात नहीं। मगर जरा सोचने की कोशिश करें, ये लड़की उस समय जो वादा की थी कहीं ना कहीं ये भूल कर ये शादी कर ली, और ये तरह से कहा जाए तो काफी ज्यादा फेमस हुई। फेमस होने के बाद में ये अपना यूट्यूब चैनल बनाई, और उस समय बिहार के जनता के बिहार के लोगों को भावनाओं के साथ ये खेलने की कोशिश की। तरह तरह के रो रो कर गुहार लगाती थी कि मुझे छोटू का न्याय चाहिए, ये वो डिश डैश वो सारा बात आप लोगों ने सुना। ये 25 नवंबर के साथ शादी कर ली, और शादी करने के बाद इसका चेहरा काफी खुश हो गया, और खुश होने के बाद में ये शादी कर ली। और शादी किसे की, ये छोटू के बड़े भाई से यानी मोनू से, मोनू से शादी कर ली। जब मोनू से शादी कर ली तो कुछ पत्रकार भाई पहुंचने लगे वहां पे, और पत्रकार भाई पहुंच कर इसके पुरानी वादों को याद दिलाकर पूछने लगे कि आपने तो वादा की थी कि मैं साल भर के बाद शादी करूंगा या शादी ही नहीं करूंगी, इसके छोटू के घर में विधवा बनकर हमेशा रहूंगी। तो उसके बाद में जब पत्रकार भाई पहुंचने लगे तो इसका चेहरा पर आप लोग देख सकता है कि ये कितना ज्यादा ये खूनखार दिख रही है। जरा इसके चेहरा पर आप लोग देखें तो ये कितना ज्यादा खूनखार दिख रही है, और देख सकते हैं कि किस तरह से ये दिख रही है, आप लोग देखने की कोशिश करें। और यहाँ बगल में ये मोनू है, तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ये हाथ उठा रही है मीडिया वालों पर, और उस समय मीडिया वालों के सामने आकर रो रो के ये गुहार लगा रही थी कि मुझे न्याय दिला दीजिए, आप ही लोग हैं, आप ही लोगों के बदौलत मिलेगा न्याय। और आज जो है शादी कर ली, शादी करने के बाद में अब मीडिया वाले लोग को ये भाई गाली देने लगे। देखिए यहाँ पे मीडिया वाले लोग को ये मारने पड़ रहा है, देख सकते हैं कि इनका चेहरा। ये लोग देखिए किस तरह से, आप लोग देख सकते हैं कि और कुछ पत्रकार भाई इनसे पूछे कि आप तो शादी करने के बाद में काफी खुश नजर आ रहे हैं, काफी मुस्कुरा रहे हैं, तो बकायदा ये हंस भी रहे हैं। देखिए तो जरा सोचने की कोशिश करें कि जो लोग प्यार के नाम पे आरती को एक उस प्यार के नाम पे ये कितना ज्यादा फेमस हुई, और छोटू आरती का जो है प्यार एक तरह से इतिहास बन गया था। कुछ लोग इनको लैला मजनू से भी तुलना करने लगे, बहुत सारे प्यार करने वाले हैं उन लोगों से इनका तुलना होने लगा, और ये प्यार के एक मुहूर्त बन चुकी थी। बहुत लोग इसका उदाहरण देने लगे थे, मगर उसका आप लोग देख सकते हैं कि बाद में ये क्या की शादी की, शादी करने के बाद में आप लोग देख सकते हैं ये भाई शादी करने के बाद कितना ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं, और ये जो है शादी करने के बाद मीडिया वाले लोग को गाली दे रही है। गाली ये नहीं दी है, गाली ये भाई दे रहा है, और ये मीडिया वाले लोग को बदतमीज में। तो आप लोग सोच सकते हैं कि प्यार के नाम पर किस तरह से ये खिलवाड़ की है, और फेमस हुई, फेमस होना इसका शायद मकसद था।
इसके पीछे, प्यार के पीछे क्या क्या इन लोगों का था। और ये शादी, भाई साहब शादी करने के बाद काफी खुश आ रहे हैं, तो जरा सोचने की करे कि शादी किया है किसके, आरती से। आरती वही है जिसके वजह से इस मोनू के यानी इसके भाई की मौत हुई है, तो जरा सोचने की कोशिश करेगा कहीं ना कहीं ये अपने भाई के लाश पे चढ़कर ये लड़का ये शादी किया है इस लड़की से, ये अपने भाई के लाशों से चढ़कर ये शादी किया है। तो सोचिए कि ये अपने इसका भाई, मरा है तो कुछ नहीं लग रहा है और ये हंस रहा है, मुस्कुरा रहा है शादी करके, उसी लड़की से शादी करके जिसके वजह से इसके भाई की मौत हो गई है। और खैर ये लोगों का कहना है कि समाज जो चाह रहा है उसी की वजह से हम लोग शादी किए हैं, समाज का जो मंजूर था वो तो हुआ, गांव वाले शायद कहे होंगे, मगर साल भर नहीं बीता। और कुछ लोग ये आवाज उठा रहे हैं, कुछ लोग ये सवाल कर रहे हैं कि 5 महीना बर्दाश्त हो गया तो क्या 5 महीना 6 महीना और बर्दाश्त कर लेती साल भर के बाद शादी करती। तो एक लोग कहते कि अच्छा काम की है, साल भर की है, हिंदू धर्म में यह है कि साल भर के बाद किसी के घर में किसी की मौत हो जाती है तो कोई भी शुभ काम किया जाता है तो साल भर के बाद किया जाता है, मगर ये शादी जैसा शुभ काम ये 5 महीना में ही, साल भर में नहीं बीतने दी ये लड़की और शादी कर ली इस लड़का से। और इसका भाई का शायद गम इसको नहीं है, इसका शादी करने का शायद मकसद था, और शादी करने के बाद कितना ज्यादा खुश दिख रहा तो आप लोग देख सकते हैं। तो ये है प्यार के नाम पर खिलवाड़ करने वाले आरती का कहानी और इसका सच्चाई, जो आप लोग जानते भी होंगे और भी आप लोग वीडियो सोशल मीडिया पर देखते होंगे। तो इसके पीछे क्या राज है आप लोग नीचे कमेंट करके बता भी सकते हैं, और ये वीडियो आप लोगों को कैसा है ये भी कमेंट करके बताइए। और चलिए मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए है जय हिंद, वंदे मातरम।